हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह की मॉर्निंग में मैं उठ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी घर को पूरा डीप क्लीन किया, बर्तन वगैरह जो भी पड़े हुए थे सारे वॉश करने के बाद, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा फ्रूट्स ले आए थे। फ्रूट्स ले आने के बाद यहाँ पर मेरा काम था जल्दी जल्दी करके फ्रूट को डिश में रखना। डिश में रखने के बाद फिर जल्दी जल्दी आपको वॉश करके फ्रिज में रखना होता है फ्रूट के ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर आपको जल्दी जल्दी करके फ्रूट्स को कट करना पड़ता है, क्योंकि ये टाइम बहुत जल्दी जल्दी वाला होता है, क्योंकि अफ्तारी में आपको सारा काम जल्दी जल्दी करना होता है। जब जाके आपकी अफ्तारी बनती है, और वैसे आपकी अफ्तारी नहीं बन सकती क्योंकि आप लेट तो कर ही नहीं सकते। अगर आप लेट करोगे तो फिर आपकी सारी की सारी अफ्तारी ऐसे की ऐसी रह जाएगी। तो आप जितना जल्दी काम करोगे उतनी आपका अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे चना चाट भी बनानी थी, दही बड़े नहीं थे बनाने, और पकोड़े वगैरह भी बनाने थे, समोसे भी फ्राई करने थे, और सेवइयाँ भी बनानी थी, और चिकन की बिरयानी भी मुझे आज बनानी थी तय वाली, क्योंकि आज लिटरली बहुत सारा काम था। तो इसलिए जल्दी जल्दी कर कर मैं बस खाना बनाने और अफ्तारी बनाने के लग चुकी थी काम में। तो फिर यहाँ पर मैंने टमाटर, पुदीना, हरी मिर्चें, इमली का पल्प डाल दिया था, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। तो चाट इतनी यमी और इतनी मज़ेदार बनी थी। अब यहाँ पे मुझे चिकन भी वॉश करनी थी, फ्रूट्स भी वॉश करके रखना था, और फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने सेवइयाँ भी बना ली थी, क्योंकि आपको जब इतनी सारी चीज़ें बनानी होती हैं तो फिर आपको जल्दी जल्दी बनाना होता है। तो फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टाइम अफ्तारी का हो चुका था। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने दस्तरखान बना लिए, लगा लिए थे। और ये सॉरी, मेरे छोटे भाई ने वीडियो बनाई थी, तो पर ये थोड़ी सी बच्चों ने वीडियो गलत कर दी, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है सही से नहीं बना पाते। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो थोड़ी टेढ़ी हो चुकी, चलो कोई नहीं, ऐसा होता है। तो यहाँ पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी का सारा सामान मैंने लगा लिया था, और सब बस बैठने वाले थे अफ्तारी पर, क्योंकि 5 से 10 मिनट होते हैं, तो फिर आपको ये टाइम बहुत जल्दी जल्दी वाला होता है। फिर वहाँ पर मुझे तेल वाली बिरयानी भी बनानी थी, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख लिए थे, और उसमें लेमन भी ऐड कर दिए थे, टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना, और पूरा मसाला मैंने इंग्रेडिएंट कट कर रख ली थी। और यहाँ पे मैंने सालन भी चिकन का बना लिया था। अब मैंने चावल भी बॉईल हो चुके थे, अब जल्दी जल्दी करके बस मुझे तेल लगानी थी, क्योंकि तेल लगाने में बहुत ज़्यादा लिटरली मेहनत होती है, क्योंकि दो जने तेल लगा सकते हो, एक जना नहीं लगा सकता। तो इस वजह से जल्दी जल्दी करके मेरी सिस्टर तेल लगा रही थी, और मैं मोबाइल पकड़ के वीडियो रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि आप जल्दी जल्दी करते हो तो तभी आपका खाना बन जाता है। और ये बिरयानी इतनी मज़ेदार और इतनी यमी बनी थी, सबको लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि आप अच्छी चीज़ बनाते हो तो फिर सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। अगर आप अच्छी नहीं बनाते तो फिर सबके ज़बान पर यही होता है कि अच्छा नहीं बना खाना, और फिर हमें पसंद नहीं आया। अगर आप अच्छा बनाते हो तो फिर सब इतनी तारीफ़ भी करते हो, और सब इतनी पेट भर के भी खाते हैं, तो फिर आपका भी दिल खुश होता है। तो फिर बस मेरी तो कोशिश यही होती है कि अच्छा सा अच्छा खाना बनाऊँ और सबको पसंद भी आए, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो फिर अच्छा ना बने तो फिर वो तो बात ख़राब हो जाती है। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मुझे दम लगाना था और दम पर रखना था, क्योंकि आखिरी क्लिप मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि लाइट चली गई थी। लाइट चली जाती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।